हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और रेखा द इंडियन मॉम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल अच्छे। दिवाली का त्योहार आ रहा है और दिवाली पर तो मिठाइयाँ बनती ही हैं और सभी को बहुत पसंद आती हैं, क्योंकि त्योहार जो है हमारे यहाँ मिठाइयों से ही सेलिब्रेट होते हैं। तो आज हम आपके लेके आए हैं मलाई रोल। बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए मलाई रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। मलाई रोल बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 50 ग्राम पनीर। पनीर को हम कद्दूकस कर लेंगे, बिल्कुल बारीक वाले कद्दूकस से हम कद्दूकस करेंगे। पनीर को हमने कद्दूकस कर लिया है। आइए अब हम दूध बॉईल होने रख देते हैं। हमने यहाँ पे ली है एक कढ़ाई और कढ़ाई में डाल देंगे हम 2 ग्लास दूध। 2 ग्लास दूध डालने के बाद में हम यहाँ पे डाल देंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर। हमें दूध को गाढ़ा करना है, गाढ़ा करने के लिए हमने यहाँ पे मिल्क पाउडर डाला है। 2 चम्मच चीनी डाल देंगे। मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। 4-5 इलायची का पाउडर मैंने तैयार करके रखा है, इलायची पाउडर भी डाल देंगे। अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हमने जो पनीर कद्दूकस करके रखा है वो भी हम दूध में डाल देंगे। मलाई रोल बनाने जा रहे हैं, इसके लिए दूध गाढ़ा करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है और ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। दूध में बॉईल आने का वेट करेंगे। मिल्क पाउडर, चीनी और पनीर हमने दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। बीच बीच में हम दूध को चलाते रहेंगे क्योंकि हमने पनीर और मिल्क पाउडर डाला है, तो कहीं ऐसा ना हो दूध नीचे लग जाए। अगर आप केसर पसंद करते हैं तो दूध में केसर भी डाल सकते हैं। देखिए दूध पे उबाल आने लग गया है। हमें दूध को आधा होने तक उबलने देना है। जब तक इसकी क्वांटिटी आधी नहीं रह जाए तब तक हमें इसको गाढ़ा कर लेना है। मलाई रोल बनाने जा रहे हैं। मलाई रोल बनाने के लिए अब हम मावा तैयार करेंगे। हम यहाँ डाल देंगे 2 चम्मच देसी घी। घी के साथ हम डाल देंगे 1/2 कप दूध। मावा बना रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे 1/2 कप दूध लिया है। गैस की फ्लेम को कम कर देंगे और घी को और दूध को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हमने लिया है मिल्क पाउडर। आज हम एकदम ताजा घर का बना हुआ मावा लेंगे, वो हम मिल्क पाउडर से तैयार करेंगे। मिल्क पाउडर से बना हुआ मावा बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है और एकदम फ्रेश भी है, क्योंकि उसको हम खुद से तैयार कर रहे हैं। देखिए दूध में इस तरह से मिल्क पाउडर को मिक्स कर लेंगे। वैसे भी त्योहारों का टाइम है तो मार्केट से मावा लेने की बजाय हम इस तरह से घर में बहुत आसानी से मावा बना के तैयार कर सकते हैं। एकदम फ्रेश मावा हमारा बन के तैयार हो जाता है। अब हम इसमें डाल देंगे फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर, 2 चम्मच चीनी। मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। देखिए फटाफट से हमारा मावा बनके तैयार हो गया है। देखिए मावा बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुका है, चीनी भी मिक्स हो गई है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और मावे को ठंडा होने देंगे। मलाई रोल बनाने के लिए हमारा जो दूध है वो भी रेडी हो चुका है। देखिए दूध गाढ़ा हो चुका है, कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है दूध का। अब हम दूध को ठंडा होने देंगे। मावा भी लगभग हमारा ठंडा हो चुका है। मलाई रोल बनाने के लिए हमने जो दूध गाढ़ा किया था यानी दूध की जो रबड़ी बनाई थी, देखिए बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है और एकदम अच्छी तरह से ठंडी भी हो चुकी है। और मावा भी जो हमने तैयार किया है वो भी एकदम ठंडा हो चुका है। तो अब आइए फटाफट से हम मलाई रोल तैयार कर लेते हैं। ये तैयार किया हुआ मावा है, इसमें से हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा मावा ले लेंगे। इसको इस तरह से हमें रोल करना है, लंबी शेप देनी है क्योंकि मलाई रोल जो है वो लंबा ही होता है। ये देखिए इस तरह से हम तैयार कर लेंगे इसके पीसेस। इसी तरह सारे पीसेस तैयार कर लेंगे। मावे के सारे रोल बना के हमने तैयार कर लिए हैं, इसको एक तरफ साइड में रख देंगे। 8 पीस हमने ब्रेड स्लाइस के लिए लिए हैं। हमने यहाँ पे रेगुलर ब्रेड लिए हैं जो हम घर में सैंडविच बनाने के काम में लेते हैं। ताजा ब्रेड है, फ्रिज की रखी हुई ब्रेड हमें यूज में नहीं लेनी है। कॉर्नर्स को कट कर देंगे। कॉर्नर्स हमने कट कर लिए हैं सभी ब्रेड के। अब हम एक ब्रेड लेंगे, बेलन से ब्रेड को आहिस्ता आहिस्ता बेल लेंगे हमें, यानी कि ब्रेड को हमें पतला कर लेना है।
इसी तरह से हम सारी ब्रेड तैयार कर लेंगे। सभी ब्रेड स्लाइस हमने तैयार कर ली हैं। आइए फटाफट से मलाई रोल तैयार कर लेते हैं। हमने एक ब्रेड स्लाइस ली है जो रबड़ी तैयार की थी, इसमें से हम इस तरह से गाढ़ी गाढ़ी रबड़ी ले लेंगे। बहुत ज्यादा नहीं लगानी है हमें, बिल्कुल हल्का हल्का सा लगाना है। अब हम डाल देंगे थोड़े से पिस्ता, बादाम और थोड़ा सा मैंने काजू बिल्कुल बारीक कूट के रखा हुआ है, काजू का पाउडर भी हम डाल देंगे। अगर आप ड्राई फ्रूट यूज में नहीं लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चॉकलेट भी डाल सकते हैं, क्योंकि बच्चों को चॉकलेट बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। अब हम एक रोल लेंगे, इसको इस तरह से लगा देंगे और बिल्कुल टाइट करके देखिए इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा रोल बनके तैयार हुआ है। देखिए आपको पास से दिखाती हूँ, तैयार किए हुए रोल के हम साइड्स को कट कर देंगे ताकि अंदर से बहुत अच्छा लगे, थोड़ी फिनिशिंग आ जाए, बिल्कुल मार्केट जैसा लगे देखने में। साइड हमने कट कर दी हैं। अब आप कोई भी प्लेट ले लीजिए या ट्रे ले लीजिए, उसमें इस तरह से अपने मलाई के जो रोल हमने तैयार किए हैं उनको लगा लीजिए। सारे मलाई रोल हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। सारे रोल हमने तैयार कर लिए हैं, देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं लुकिंग में। और दिवाली के लिए बहुत ही इजी और बहुत ही आसान रेसिपी है, आप जब चाहें तब बना सकते हैं और सभी को बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है। अब हमने जो रबड़ी तैयार की थी वो हम रोल के ऊपर से डाल देंगे। देखिए हमने ऊपर से जो रबड़ी तैयार की थी वो भी डाल दी है और लुकिंग में कितने बढ़िया हमारे मलाई रोल बनके तैयार हुए हैं। अब आप गार्निशिंग के लिए इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, किसी भी चीज से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं, चेरी भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस तरह से बादाम लगा दिया है, आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद आता है आप वो भी लगा सकते हैं। देखिए मैंने ऊपर से बादाम और पिस्ता लगा दिया है, लुकिंग में बहुत ही बढ़िया हमारे रोल बनके तैयार हुए हैं। और देखिए कितने फटाफट से हमने मलाई रोल बना लिए हैं, देखिए आपको मैं पास से दिखाती हूँ। बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है, आप जब भी चाहें तब बना सकते हैं। और त्योहारों के टाइम में मार्केट से मिठाई लाने के बजाय हम घर पे मिठाई बना के हम बच्चों को और गेस्ट को खिला सकते हैं, बहुत ही पसंद आने वाली रेसिपी है। तो फ्रेंड्स इस दिवाली आप हमारे मलाई रोल को ट्राई कीजिए, टेस्ट कीजिए और अपने कमेंट्स हमसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।